हेलो दोस्तों, देसी किचन में स्वागत है आपका। और आज देसी किचन में बनने जा रहा है एक फटाफट केक। चलिए तो हम लोग इसकी सामग्री जान लेते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है जो कि मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसी पैन में हम लोग 2 कप के करीब इसमें दूध ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग दूध इसमें ऐड कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप दूध डाला और ये मैंने दूसरा कप भी डाल दिया। अब इसको हाई फ्लेम पे हम लोग दूध को बॉईल कर लेंगे। इसको चलाते हुए बॉईल करेंगे हम लोग। और ये 1 कप दूध है, इसका अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं बताऊँगी कि कब इसका यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग दूध को चलाते हुए अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं, 1-2 उबाल आने तक। इसको गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस बॉईल ही करना है। इस तरह से देखिए, और ये बहुत ही फटाफट बन जाता है केक, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब इसी स्टेज पे हम लोग चलाते हुए इसमें 3 चम्मच के करीब हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें चीनी ऐड कर दी है। और इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इस तरह से ये केक बहुत ही फटाफट बन जाता है। इस क्रिसमस आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और ये घर की चीज़ों से ही बन जाता है, आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। घर में जो आपकी चीज़ें होंगी उन्हीं सब चीज़ों से बन जाएगा। इस तरह से चलाते हुए हम लोग चीनी को मेल्ट कर देंगे इसमें। और ये स्वाद भी इसका बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए, ये मैंने 1/2 कप के करीब मलाई ली है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे मलाई को, और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह, ये सारी मलाई हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये मैंने अरारोट ले लिया है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं या मिल्क पाउडर हो उसका भी यूज कर सकते हैं। और ये जो दूध हमने बचा के रखा था उसी दूध में ये अरारोट को अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ये गर्म दूध नहीं लेंगे। और अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये जो दूध पहले हमने 1 कप बचा के रखा था उसी दूध में ये हमने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया। अब इसको चलाते रहेंगे इस तरह से, और उसमें अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे। एक हाथ से इसको डालते जाएं और एक हाथ से चलाते जाएं, चम्मच रोकना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह, और मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, तेज नहीं। इस तरह ये हमने सारा ऐड कर दिया, अब इसको चलाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का दूध अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसको हम लोग अरारोट को अच्छी तरह से पका देंगे इसमें, ताकि कच्चेपन का स्वाद ना आए। इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह, ये केक मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप लोग बना के और कमेंट करके बताइएगा आपके बच्चों को कैसा लगा। ये देखिए, अब दूध हम लोगों का गाढ़ा हो चुका है अच्छी तरह से। इसको थोड़ी देर और पका दें ताकि इसका कच्चापन चला जाए और दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए।
ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, अब काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप चाहें तो खाली दूध से ही उसकी रबड़ी बना के उसका भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कम दूध हो तो आप लोग इस तरह से बना लें। अब हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, मैंने चाशनी पहले ही बना के रखी थी। 1 कप मैंने चीनी लिया था और 1 कप पानी, और उसको बस 2 बार खौला दिया था। बस हमारी चाशनी तैयार हो गई। इसको किसी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, नॉर्मल ऐसे ही बना देना है, गाढ़ी चाशनी। चलिए, और ये आया हम लोगों का सीक्रेट। ये मैंने टोस्ट ले लिया है, इसी से हम लोग आज का केक बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक बर्तन ले लिया है, आप कोई भी बर्तन ले लें, और इसमें इस तरह से ये टोस्ट को रख दें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है केक, इस तरह जिधर ना हो तो उधर तोड़कर आप लोग लगा सकते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर जो हमने चाशनी बनाई थी वो चाशनी डाल देंगे। याद रखें कि हल्का गुनगुना होना चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको हल्का गुनगुना ही यूज करें, और जो हमने दूध का भी बनाया था उसको भी गुनगुना ही लेंगे। इस तरह सारे टोस्ट के ऊपर अच्छी तरह से हम लोग चाशनी लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगा दिया। अब ये इसके ऊपर से हम लोग इस तरह से इसको भी डालेंगे लेयर वाइज, इस तरह से। इसको अच्छी तरह से टोस्ट को ढक देंगे। अब इस तरह से ये दूसरी लेयर भी हम लोग टोस्ट की लगा देंगे। आप कोई भी टोस्ट का यूज कर सकते हैं। अब फिर ये देखिए, फिर मैंने चाशनी इसके ऊपर डाल दी। चाशनी अच्छी तरह से डालें। अब उसके ऊपर ये हम लोग अपना मिश्रण जो दूध का हमने बनाया था वो डाल देंगे, और अच्छी तरह से ये सारे टोस्ट ढक जाएं। ये देखिए इस तरह से। आपके पास कोई गार्निश का सामान हो तो गार्निश भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी तरह से इसको ये सिल्वर फॉइल से ढक के और इसके ऊपर लिड लगा के फ्रिज में 2 घंटे के लिए आप लोग रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए इस तरह से। अब ये मैंने फ्रिज में रख दिया 2 घंटे के लिए। अब ये देखिए, 2 घंटे के बाद मैंने निकाला। ये देखिए, वाह कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब चलिए हम लोग इसको कट करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह से। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये केक है। ये देखिए, ये हमने कट किया। इस क्रिसमस अपने बच्चों को बना के खिलाइए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग इसको कट करके प्लेट में रख लेते हैं इस तरह से, और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, इस तरह से केक हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है इस तरह। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। ज़रूर आप लोग ट्राई करिए, और कैसा बना कमेंट करिए। थैंक यू।